पहली नज़र में यह नज़ारा किसी आम खेत का दिखता है। लोग पानी लेने जा रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं और बीच बीच में सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही है। इन सब के बीच फसलों में छिपी नुकीले कान वाली एक नन्ही सी बिल्ली को देखने में नज़रों को धोखा हो सकता है, लेकिन दिल्ली के बाहरी इलाकों के खेतों में किसानों के लिए इस जीव को देखना काफी आम है। बिल्ली की अन्य प्रजातियों की तरह ही जंगली बिल्लियां इन खेतों में अपना इलाका बनाकर शिकार करती हैं। जंगली बिल्ली देश में पाए जाने वाले 10 प्रजाति की बिल्लियों में से एक है। यह प्रजाति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाई जाती है, हालांकि हिमालय की ऊंची चोटियों और रेगिस्तानों में ये नहीं दिखती। जंगली बिल्ली का नाम सुनकर हम इसे घने जंगलों में रहने वाली बिल्ली समझ सकते हैं, लेकिन ये बिल्लियाँ झाड़ियों, घास के मैदान, वेटलैंड्स और घनी हरियाली वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती हैं। इन बिल्लियों का रेतीला, भूरा, लाल या भूरे रंग का होना इन्हें ऐसे स्थानों पर छिपने में मदद करता है। घटते प्राकृतिक आवास की वजह से जंगली बिल्लियों ने खेतों और इंसानी इलाकों में अपना आवास बना लिया है। अन्य छोटी बिल्लियों की तुलना में जंगली बिल्लियों ने आवास में बदलाव काफी आसानी से कर लिया। हमारे खेत और खेती की परिस्थिति कई प्रजातियों के लिए घर है, विशेष रूप से ऐसे खेत जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। मैं कहूँगी कि जंगली बिल्लियों का पानी के साथ गहरा संबंध है और इसलिए इन्हें ऐसे खेत में रहने से काफी मिलता है। सिंचित खेत बिल्लियों के लिए दूसरा बेहतर घर है। रोडेंट्स हैं, रैट्स हैं, माइस हैं, ये सब जो है हेयर्स हैं, ये इनके लिए बहुत ही सुटेबल प्रे का काम करते हैं और किसी एग्रीकल्चर फील्ड में इनका नंबर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हमेशा रहता है, इसलिए एग्रीकल्चर में इनके सर्वाइव करने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बिल्ली को घासों के बीच शिकार की गंध मिल रही है। वह घात लगाकर शिकार की ओर बढ़ती है। एक सफल शिकार के लिए इन्हें कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। एक जंगली बिल्ली एक साल में करीब 1500 शिकार करती है। इस तरह यह फसल को नुकसान पहुंचाने वालों से निपटने में किसानों की मदद करती है। हालांकि खेतों में इंसानों के होने से जंगली बिल्लियों और इंसानों के बीच संघर्ष का खतरा बना रहता है। जंगली बिल्लियां शावकों को जन्म तो देती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बच्चों का क्या होने वाला है, क्योंकि हर साल वन विभाग के पास ऐसे मामले आते हैं जहां किसान खेतों में पड़े शावकों को रेस्क्यू करके विभाग को सौंपते हैं। उनका कहना रहता है कि जब वे फसल काट रहे थे तब बिल्ली के शावक उन्हें पड़े हुए मिले। रेस्क्यू किए शावकों में धब्बेदार बिल्ली, तेंदुए, फिशिंग कैट और जंगली बिल्ली सहित कई बिल्ली प्रजाति के शावक देश भर के खेतों से मिलते हैं। इसका मतलब है कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, शायद मर भी रहे हैं। खेती में मशीनों का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि कई शावक इन मशीनों से कुचले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि उनका क्या हुआ। किसान अब क्योंकि अपने फसल को बचाना चाहते हैं, इतना नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं तरह तरह के, जिसके कारण क्या होता है, वो रोडेंट्स को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब उस इरेडिकेशन के पर्पस से, क्योंकि उनको अपनी फसल बचानी है, तो वो एक दूसरा काम ये भी करना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने कि वो स्मॉल कैट्स को, जंगल कैट को भी एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब एक जंगल कैट का फूड ही नहीं होगा तो उसके बाद वो अपना काम कैसे, अपना सर्वाइवल कैसे पॉसिबल कर पाएंगे। खासकर एग्रीकल्चर लैंड में फेरल डॉग्स की बहुत आया था, इनसे उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ऐसे में सर्वाइवल है कैट, जो स्मॉल जंगल कैट का, वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। Thank you.
अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के बाहर अच्छी खासी संख्या में जंगली बिल्लियाँ रहती हैं, लेकिन हमें इस छुपने में माहिर बिल्लियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। खेतों के बीच रहने वाली बिल्लियों के बारे में लोग बेहद कम जानते हैं। बड़े कृषि क्षेत्र जो भारी कीटनाशकों और रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, वहाँ रहने वाले अन्य जानवरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये हम नहीं जानते। किसी ने भी वास्तव में इनका अध्ययन नहीं किया है, तो हमें इसकी कोई खास जानकारी नहीं। लेकिन कीटनाशक हमें प्रभावित कर रहे हो तो इसका असर बिल्लियों पर भी होता होगा। आप सड़क पर बहुत बिल्लियां मरी हुई देखते हैं और आपको लग सकता है कि शायद बहुत सारी बिल्लियां हैं इसीलिए सड़कों पर मर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर बिल्लियां मर रही हो। हमें और अध्ययन करने की आवश्यकता है। खेत, सड़क और विकास कार्यों के लिए हो रहे निर्माणों की वजह से झाड़ियों, घास के मैदान और वेटलैंड्स के आसपास बिल्लियों का आवास सिमटता जा रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ सुझाते हैं कि जंगली बिल्लियों पर अधिक ध्यान देने और शोध करने की जरूरत है।